हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रिया का जायका में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक झटपट सी रेसिपी जिसका नाम है सूजी या बेसन का छिलका, जिसे हम वेज ऑमलेट भी बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसे आप आराम से नाश्ते के लिए बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे आगे को वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी झटपट सी रेसिपी सूजी और बेसन का छिलका। लेट्स कुक। सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डालेंगे 3/4 कप बेसन। अब हम डालेंगे 2 कप सूजी, 1 प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच हल्दी और 2 कप पानी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। जब आपके घर में कोई भी सब्जी अवेलेबल ना हो और आपको एक टेस्टी नाश्ता भी बनाना हो तो ये सूजी और बेसन का छिलका एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है आपके नाश्ते के लिए, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने गैस की ओर। हम एक तवा लेंगे और इसमें डालेंगे तेल। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम अपना मिश्रण को इसमें डालेंगे। हमें इस तरह से गोल करके हमें अपने मिश्रण को डालना है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि छिलका तवे से ठीक से निकलता नहीं है, तो इसका मेन डिपेंड करता है ये आपकी सूजी और बेसन के रेशियो पे। तो मैंने जो रेशियो बताया है आप उसे ज़रूर फॉलो करें। अब हम तेल को चारों तरफ, छिलके के चारों तरफ देंगे। मैंने जो रेशियो बताया आप उसे फॉलो करेंगे तो ठीक इसी तरह से आपका छिलका आसानी से तवे से बाहर आएगा। देखिए मेरा कितने अच्छे तरह से तवे से बाहर आएगा, कितने अच्छे तरह से ये अभी फ्लिप करेगा। देखिए इसे हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकाना है। तो लीजिए, सूजी और बेसन का छिलका आपके लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आपको सूजी और बेसन का छिलका कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।